किशोरी के बरामद होने पर परिजनों ने ली राहत की सांस। चार महीने गुजर जाने के बाद बास्टा की रहने वाली किशोरी को बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताते हैं कि किशोरी की बरामदगी न होने पर हिंदू संगठन पंचायत भी कर चुके हैं। ये मामला पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। बास्टा क्षेत्र की रहने वाली किशोरी 7/6/2018 को अपने छोटे भाई के जन्म दिवस पर संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन आरोपियों को पकड़कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, लेकिन किशोरी की बरामदगी नहीं होने पर हिंदू संगठन में रोष बना हुआ था। पुलिस ने मुखबर की सटीक सूचना पर हापुड़ में रेलवे विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के निवास स्थान से किशोरी के साथ एक अन्य आरोपी को बरामद कर लिया। बरामद किशोरी को डायरेक्टरी परीक्षण के बाद परिजनों के सपुर्द करने की तैयारी की जाएगी। न्यूज फ्रीडम के लिए चांदपुर से सलीम हाशमी की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है, लड़की बरामद हुई है सर? ये लड़की चली गई थी ग्राम औरंगपुर प्रताप बास्ता चौकी क्षेत्र में, हमारा चांदपुर थाना लगता है। तो ये अपनी मर्जी से बताते हैं बाद में चली गई थी, लेकिन इन तीन लड़कों ने इसको भगाया था। जो तीन लड़के जिनका नाम दर्ज रिपोर्ट हुई थी वो तीनों जेल में हैं, और ये हमारे विशेष सूत्रों से किसी तरह से हमने लड़की बरामद की है यहाँ पर। तो इसके साथ जो लड़का आया वो भी पकड़ा गया है, लड़की नाबालिग है, इनके परिजनों को बुला लिया गया है। लड़की के धारा 164 के बयान रजिस्टर कराए जाएंगे, जो भी बयान आएंगे और जो भी तहरीर देते हैं इसके माँ बाप उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। सर, ये लड़की कहाँ से बरामद है सर? ये हापुड़ से बरामद दिखाई।